हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। उन्हें घमंड है दूसरों को गिराने में और मुझे खुशी है उनका सहारा बनने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की 30 जुलाई की सीरीज़ के अंदर। ये जो प्रश्न है करंट के, अभी जो NVS की भर्ती निकली हुई है उसके लिए फर्स्ट ग्रेड, KVS, DSSB और राजस्थान पुलिस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मटका थिम्बक पद्धति संबंधित अभियान की शुरुआत की है, यह किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। तो मटका थिम्बक जो पद्धति है यह वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 23वें प्रेसिडेंट कप 2019 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 23वें प्रेसिडेंट कप 2019 में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए किस सोशल साइट ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप ने ये साझेदारी की है। अगला है, किसे प्राकलन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गिरीश बापट को प्राकलन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी के अंदर। वहीं सीमा सुरक्षा बल के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना जाएगा? वीके जोहरी को। हाल ही में मिस राजस्थान 2019 कौन बनी है? दीपाली नरूका। अगला है, भारतमाला इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्षेत्रफल राजस्थान के जोधपुर में कितना रखा गया है? 136 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा व्यावसायिक उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहसिन खान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड में होने वाली वर्ल्ड पैरा जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो शालिनी चौधरी, विकास और ईशान खंडेलवाल, इन तीनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छे लगे हो तो लाइक करें और सभी मित्रों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी भी सूचना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।